नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि कश्मीर अगर आज भारत का हिस्सा है तो उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संघर्ष और बलिदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही आज़ाद भारत में नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। दो प्रधान, दो विधान और दो निशान अब इतिहास की बात हो चुकी है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर मुद्दे के अलावा भारत के विकास, खासकर वाणिज्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में योगदान के लिए भी व्यापक सम्मान किया जाता है। आज देश भर में तमाम आयोजनों के जरिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में डॉक्टर मुखर्जी के बारे में उनके एक पुराने भाषण से जुड़े कुछ अंश हैं। वीडियो में डॉक्टर मुखर्जी को एक प्रखर वक्ता, अनुभवी राजनीतिज्ञ और कुशल संगठनकर्ता बताया गया है। हम आपको बता दें कि वर्ष 1901 में तत्कालीन कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, वहां पैदा हुए डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया था। डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने वालों में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी हैं, जिन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक प्रख्यात नेता और उत्साही राष्ट्रवादी बताया है। नायडू ने कहा कि वह एक प्रतिष्ठित नेता, दूरदर्शी विचारक, प्रख्यात शिक्षाविद और उत्साही राष्ट्रवादी थे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट किया, प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय एकता और विकास में उनके अमूल्य योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता देश और दुनिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी नेहरू की तुष्टिकरण की नीति से दुखी थे, चिंतित थे, इसलिए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। नेहरू जी से विचारों से अलग होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और भारतीय जनसंघ की स्थापना का कारण ये था कि नेहरू जी की तुष्टिकरण की नीति, अपीजमेंट की नीति से वो दुखी भी थे, चिंतित भी थे, व्यथित भी थे। और उन्होंने कहा कि नेहरू जी जो आप धारा 370 लगा रहे हैं, ये देश के लिए घातक। और उन्होंने नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इस बात को लेकर के 11 मई को वह जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के, उन दिनों परमिट पर जाना पड़ता था जम्मू कश्मीर में, उन्होंने सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा, यह भारत की धरती है, यहां किसी के भी परमिट रहने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान के पक्ष को रखते, दो नहीं चलेगा इस बात को रखते हुए उन्होंने इसके विपक्ष में अपने आप का सत्याग्रह किया। 11 मई को उनको गिरफ्तारी हुई और श्रीनगर के जेल में 23 जून की प्रातः उनका निधन हुआ, रहस्यमय तरीके से निधन हुआ। उनकी माताजी ने एक लंबी चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस जाने, नेहरू जी जाने कि उन्होंने क्यों यह इंक्वायरी नहीं कराई और रहस्यमय तरीके से हम लोगों ने अपने प्रिय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को खो दिया। लेकिन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए सालों साल लगे रहे और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान
लागू हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जो कहा वह पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे और कश्मीर को देश में संपूर्ण विलय करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मुझे खुशी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर मुखर्जी ने जो कहा था मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कर दिया गया, हो गया। कश्मीर में अब एक दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है हमेशा, डॉक्टर मुखर्जी ने भी कहा था, राष्ट्रहित सर्वोपरि। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा करने में मदद मिली है। कश्मीर आज अगर भारत का हिस्सा है तो उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संघर्ष और उनका बलिदान, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया था। आज उनकी 122वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता के इस महान सपूत को मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो एक आजाद भारत में नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें साकार करने में मदद मिली है। यह देश आज कश्मीर विकास और समृद्धि की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी 122वीं पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।